हेलो बच्चों, एसिड बेस एंड साल्ट में अब हम पढ़ने वाले हैं साल्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। पहली बात तो ये जान लो, साल्ट सिर्फ NaCl नहीं होता। जो कॉमन साल्ट होता है ना, नमक, वही नहीं होता, बहुत सारे और भी साल्ट होते हैं। जो लोग ये नहीं जानते वो जान लें। ठीक है, तो उसी से बात है डिफ्यूजन पर। साल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ अ रिप्लेसेबल आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय अ मेटेलिक आयन और अमोनियम आयन बेसिक रेडिकल। ठीक है, अभी क्या बोल दिया समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ। देखो, पहली चीज़ तो इसको छोड़ो। सिंपली आप जानते हो कि जब भी हम किसी एसिड और किसी बेस को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो हमको सॉल्ट प्लस वाटर मिलता ही मिलता है। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब एसिड के अंदर जो एच प्लस होता है, बेस के अंदर जो ओ एच माइनस होता है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एच टू ओ फॉर्म कर लेते हैं। और जो बच जाता है एसिड में जो बचा और बेस में जो बचा, वो आपस में मिलकर के सॉल्ट फॉर्म कर लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, देखो यहाँ पे। अब ये क्या कह रहा है, अब ये थोड़ा सा अलग बोल रहा है। ठीक है, सॉल्ट इज अ कंपाउंड, सॉल्ट एक कंपाउंड है जो कि बनता है पार्शियल या कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ अ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड। किसी एसिड के अंदर आपको पता है ना, एसिड जब वाटर में जाता है तो हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है, तो उस रिलीज करने के बाद उसके प्लेस पे कौन आ जाता है? तो सपोज एसिड है, उसके पास क्या है, H+ आयन है। ठीक है, उस आयन को हटा करके वहां पर कोई मेटल आ जाए, कोई मेटेलिक आयन आ जाए या कोई अमोनियम आयन आ जाए। ठीक है, मेटेलिक में कोई मेटल आ जाए या फिर अमोनिया जो कि मेटल नहीं है वो भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर किसी एसिड में जो H+ आयन है उसको हटा करके उसकी जगह पर कोई भी मेटल आ जाए, समझ में आ गया, जैसे सिल्वर है या हमारा Fe है, लोहा है या हमारा सोडियम है, समझ में आ रहा है ना? तो कोई भी ऐसा आ जाए या फिर या उस आ जाए और वो या तो उसको पार्शियली रिप्लेस करते या कंप्लीटली रिप्लेस करते, पार्शियली या कंप्लीटली रिप्लेस करते। जैसे देखो, NaOH है यहाँ पर और यहाँ पर H2SO4 है। H2SO4 हमारा क्या है, एसिड है। H2SO4 में H2 है ना, ये हमारा S+ आयन, इसको जब डालेंगे पानी में तो ये S+ आयन में टूटेगा। तो NaOH है वो हमारा क्या है, मेटलिक आयन है। उस मेटलिक आयन ने क्या किया, यहां से H2 को निकालने का ट्राई किया, पूरा नहीं निकाल पाया, एक हाइड्रोजन को तो निकाल दिया बट एक रह गया, तो ये हमारा NaHSO4 हो गया। ठीक है, एक एच रह गया, NaHSO4 और H2 बन गया। यहाँ पर इसने पार्शियल रिप्लेसमेंट किया, मतलब इस एसिड में से इस हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करने का इस मेटल आयन ने, मेटलिक आयन ने कोशिश तो किया बट पार्शियली किया, फिर भी जो बना उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे। समझ में आ गया? दूसरी तरफ फिर से देखो, इस दोबारा हमारे पास NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेस है एक्चुअली, और ये हमारा एसिड है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। इस बार ये जो मेटल है सोडियम, वो इसके H2 को, मतलब H+ आयन को, दोनों के दोनों हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर दिया, तो Na2SO4 बन गया, तो ये भी हमारा सॉल्ट है। मतलब या तो वो पार्शियल रिप्लेसमेंट कर दे या तो ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट कर दे, तो जो बनेगा हमारे पास, जो मिलेगा, वाटर तो बनेगा, इसके अलावा जो भी बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्ट कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक बहुत सिंपल सा मेथड यही है कि जब भी एसिड और बेस, यहाँ पे एसिड और बेस ही है, एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट वाटर बनता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अ सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड विच डिसोसिएट टू एयर। तो साल्ट क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है। जब टूटता है तो क्या करता है, एक पॉजिटिव आयन देता है और एक निगेटिव आयन देता है। ध्यान से देखना, पॉजिटिव आयन देता है अदर देन हाइड्रोजन आयन। मतलब अगर हमने साल्ट को, साल्ट अगर आयोनाइज हो गया, मतलब वाटर सोल्यूशन जाके टूट गया, तो टूटने के बाद उसमें एक पॉजिटिव आयन आएगा। लेकिन अगर H+ आ रहा है, जैसे हमारे पास NaCl है, ध्यान से देखो, हमारे पास NaCl जो कि साल्ट है, ये आयनाइज होगा तो Na+Cl- होगा। समझ में आ रहा है ना? इसमें कहीं पर H+ या OH- है क्या? नहीं है ना। सपोज अब यहाँ पे हमारे पास एक और सॉल्ट है NaHSO4, ध्यान से देखो NaHSO4, इसको जब आप तोड़ोगे तो यहाँ पर Na+H+ और SO4- आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर H+ भी आ रहा है, तो अगर हम किसी सॉल्ट को आयोनाइज करते हैं उसमें H+ भी आता है, तो हमको H+ को एज अ पॉजिटिव आयन काउंट नहीं करना है। H+ के अलावा
कोई दूसरा भी पॉजिटिव आयन होना चाहिए, केवल एच प्लस है तो वो सॉल्ट नहीं है। केवल एच प्लस सिर्फ एसिड से निकलता है, ध्यान समझना, और केवल ओ एच माइनस निकल रहा है तो वो सिर्फ बेस से निकलता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें से ओ एच माइनस निकल रहा है आयनाइज होके, बट उसके साथ एक और भी कोई निगेटिव आयन निकल रहा है, देखो ओ एच माइनस के अलावा निगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्सिलाइन, ठीक है, तो ही वो बेस है, सॉरी सॉल्ट है। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से देखो, अगर हम किसी सॉल्ट को का वाटर सोल्यूशन बनाते हैं और वो अपने आयन टूट जाता है, उस आयन में अगर एच प्लस ओ एच माइनस नहीं निकल रहा है, उसके अलावा कुछ भी पॉजिटिव और निगेटिव आयन टूट रहा है, तो फिर इसका मतलब वो सॉल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट सपोज अगर किसी सॉल्ट को आपने पानी में डाला, वो टूट गया और वहां पर एच प्लस आयन निकल रहा है, बट और कोई पॉजिटिव आयन नहीं निकल रहा है, मतलब वो सॉल्ट नहीं है। अगर एच प्लस आयन निकल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट साथ में और भी कोई दूसरा पॉजिटिव आयन निकल रहा है तभी वो सॉल्ट है। और अगर निगेटिव आयन में ओ एच माइनस निकल रहा है, कोई और निगेटिव आयन नहीं निकल रहा है, इसका मतलब वो सॉल्ट नहीं है। और अगर ओ एच माइनस निकल रहा है सपोज, उसके साथ दूसरा भी कोई निगेटिव आयन निकल रहा है, तो इसका मतलब भी वो सॉल्ट है। आई बात समझ गई ना। चलो अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। तो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट पे आते हैं, एसिड सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट। देखो ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। जब यहाँ पर तुम्हें बताया मैंने ना कि ये पार्शियल या कंप्लीट रिप्लेस करता है, तो जब भी मेटल या अमोनियम आयन किसी एसिड से हाइड्रोजन को पार्शियली रिप्लेस करता है ना, पूरी तरह नहीं कर पाता है ना, तब जो सॉल्ट बनता है उसे हम एसिड सॉल्ट कहते हैं। और उसके जो उसका जो नेचर होता है ना या प्रॉपर्टी, वो भी हल्का हल्का एसिड जैसी होती है। देखो ऑल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इन सॉल्यूशन, मतलब जैसे ही इस सॉल्ट को आपने सॉल्यूशन में बनाया, उसकी प्रॉपर्टी एसिड जैसी, मतलब वो बिल्कुल एसिड जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। समझ में आ रहा है, फिर से बताऊं। मैंने बताया कि जब कोई भी मेटलिक आयन या अमोनियम आयन किसी एसिड से हाइड्रोजन को पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर पाता है, पार्शियली करता है, तो जो सॉल्ट फॉर्म होता है उस सॉल्ट को हम एसिड सॉल्ट कहते हैं। और उसके उसका जो प्रॉपर्टी होता है, वो जब सॉल्यूशन में मिलाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं उसका, सॉरी, तो वो एक एसिड जैसा ही बिहेव करता है। और दूसरी तरफ जब वो पूरी तरफ उसको कंप्लीटली रिप्लेस कर देता है, तो हमारा नॉर्मल सॉल्ट बन के तैयार हो जाता है। आई बात समझ में, और वो सॉल्ट जैसा ही बिहेव करता है, ठीक है। अब इसको बाकी वही चीज़ें जो मैंने बताया है ऊपर, जो मैंने ऊपर बताया है ना, बिल्कुल वही सारी चीज़ें यहाँ पर है, जो मैं बताऊंगा नहीं, आप पढ़ लो कैसे बनता है क्या होता है, दोनों में सेम चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एसिड हैं जो एसिड सॉल्ट सॉल्ट बनाते हैं, और यहाँ पे कुछ एसिड हैं जो नॉर्मल सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। देखो HNO3, HCl और CH3COOH, इसमें जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं वो सिर्फ एक ही होते हैं, मतलब यहाँ पे HNO3 में इसके पास बेचारे के पास एक ही एच प्लस आयन है, तो इसमें तो पार्शियल या कंप्लीट का मतलब ही नहीं, कंप्लीट ही होने वाला है, एक ही है ना। अब यहाँ पे देखो ऊपर में एग्जाम्पल में, यहाँ पे H2SO4 इसके पास दो था, तो इसके पास चांस था कि वो एक एच को निकाले या दो को निकाले। आई बात समझ में, जो Na है, जो हमारा मेटलिक आयन है सोडियम, वो यहाँ से पार्शली करे या कंप्लीटली करे, बट यहाँ पर तो इसके पास एक ही एच है, तो वो या तो करेगा ही नहीं या तो कंप्लीटली करेगा। ऐसे यहाँ पे भी एच एक ही एच है, और यहाँ पे तो ऐसे 3 है, और यहाँ पर एक मतलब 4 H है, बट यहाँ पे जो रिप्लेसेबल है वो ओनली 1 ही है, ये इसको रिप्लेस करता ही नहीं है। तो समझ में आया, तो ये ऐसे एसिड हैं जिसके साथ अगर हम बेस को कभी रिएक्ट कराते हैं, तो जो हमारा सॉल्ट मिलता है वो हमारा नॉर्मल सॉल्ट मिलता है, एसिड सॉल्ट नहीं मिलता है। बट यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एसिड हैं जो हमारा एसिड सॉल्ट देते हैं, समझ में आ रहा है ना। और कुछ ऐसे एसिड भी हैं जो हमारा नॉर्मल सॉल्ट देते हैं, तो ये सब आपको लर्न करना है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉल्ट, सॉल्ट क्लासिफिकेशन, सॉलिबिलिटी और बाकी सब, ठीक है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो, हालांकि मैंने ट्राई किया समझाने का, मैं फिर से बताता हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन पढ़ाने का, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करो या आप मुझे कॉल करो, अगर नंबर नहीं है मेरे मेरा तो आप मुझे मैसेज, सॉरी, आप मुझे कमेंट करो और मुझे बताओ कि मैं जैसा समझा रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, ठीक है। थैंक यू।